हेलो गाइस, आज देखिए यहाँ पे बनने वाली है अजवाइन की पकौड़ियाँ। और इसके लिए आप देखिए हरी मिर्च, धनिया हरी, प्याज आप कम होने तो थोड़ा डाल लीजिए। ये देखिए अजवाइन है, आटा ये देखिए हमने लिया है, चाल लिया इसको अच्छे से। और इसको देखिए बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप परेशान मत होइए, इस तरह से आप भी पकौड़ियाँ बना सकती हैं। इसमें देखिए आटा डालिए, आपको जितना भी डालना है जितना बनाना हो। थोड़ा सा आपको सोडा डालना है, बहुत बहुत जरा सा। हमारे पास बेसन है तो मैं थोड़ा सा बेसन डाल लेती हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप परेशान मत होइए, ऐसे भी बन जाती हैं। ये मैंने पीस के कड़ू नमक रखा है तो इसको डाल लेती हूँ, इससे पकौड़ियों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जाड़े के दिनों में हम अजवाइन की बनाइए परेठा पूड़ी पकौड़ियाँ, इस तरह से बना सकते हैं आप। थोड़ा सा मिर्चा डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। आटा मैं और डाल देती हूँ कम लग रहा है तो। नमक डाल लीजिए स्वाद अनुसार और बस इसको भून लीजिए आप। जैसे आप गुलगुली वगैरह बनाती हैं उसी तरह से आपको बनाना है, जैसे पकौड़ियाँ बनाती हैं कढ़ी के लिए, बस उसी तरह से आपको बेटर बनाना है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए हमारा बेसन आटा देखिए घुल चुका है अच्छे तरह से, देखिए इसको बस निकाल लेना है तेल में, गर्म तेल में।